हेलो फ्रेंड्स, आज हम डायबिटिक मेलिटस के बारे में बताएंगे। डायबिटिक क्या होती है, किस वजह से होती है, क्या टाइप है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब देखेंगे। डायबिटिक यानी मधुमेह, हिंदी में हम मधुमेह बोलते हैं। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इसके डायबिटिक के बहुत सारे टाइप हैं जो मैं बता रही हूँ। टाइप फर्स्ट, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस बोलते हैं। टाइप सेकंड, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस बोलते हैं। तीसरा है गेस्टेशनल डायबिटिक। चौथा है डायबिटिक न्यूरोपैथिक। पांचवा है डायबिटिक रेटिनोपैथिक। और छठा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अब इसका हम सबको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं और किस कारण से हो रहा है ये देख लेते हैं। कारण मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर पेंक्रियाज की जो बीटा सेल है उसमें अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, एज भी इफ़ेक्ट करता है। सिम्टम क्या होते हैं इसके, हम नॉर्मली क्या अपन को फील होगा कि हाँ मुझे डायबिटिक हो सकती है, वो देख सकते हैं। सबसे पहले कि उस पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगेगी, नॉर्मल आदमी से ज़्यादा उसको प्यास लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी और यूरिन भी ज़्यादा पास आउट होगा। जिसके मुख्य तीन सिम्टम हैं, जिसको बोलते हैं पोली यूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। इसके अलावा भी है वीकनेस और लिम्स, हाथ पाँव में दर्द रहेगा, कमज़ोरी महसूस करेगा, गाँव है वो जल्दी से भर नहीं पाएगा और हाथ पांव वैसे लगता है सुनसा हो गए हैं, वैसे हो जाएंगे। अगर आपको इस टाइप के सिम्टम दिखते हैं तो आपको चेकअप करवाना चाहिए कि आपको शुगर तो नहीं है। और अब हम देखेंगे डायबिटिक फर्स्ट क्या होती है, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन प्रॉपर एब्सोल्युटली डिपेंड होती हैं दूसरे पे, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें इंसुलिन बनती ही नहीं है। अपन को पूरा का पूरी इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है डायबिटिक फर्स्ट में। इसको जेनाइल डायबिटिक भी बोलते हैं। ये मोस्टली बच्चों में होता है, जेनाइल वर्ड बच्चों के लिए यूज़ में लिया जाता है। और सेकेंड है टाइप सेकेंड, जिसको नॉन इंसुलिन डायबिटिक मेलिटस बोलती है। ये इंसुलिन डिपेंड नहीं रहती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप की इंसुलिन पूरी एब्सोल्युटली, इसमें थोड़ी बहुत इंसुलिन बनती है पर प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है। इसकी वजह से अपन को बाहर से कुछ टेबलेट के थ्रू अपन को लेनी पड़ती है। तीसरी है गेस्टेशनल डायबिटिक, ये प्रेगनेंसी के टाइम होती है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटिक बोलते हैं। चौथी है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो किसी भी किडनी की डिजीज़ की वजह से, किडनी की डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ में डायबिटिक ही हो जाता है। फिर है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक की वजह से रेटिनोपैथी मतलब आइज़ में दिखना बंद हो जाता है, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी में है ना, जो नर्व जिसे हाथ पाँव सुनसा होने लग जाते हैं, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी से वजह से होता है। अब हम उनके ये देख लेते हैं किस टाइप से शुगर टेस्ट होती हैं। फास्टिंग, एक तो फास्टिंग होती है, एक खाना खाने के बाद होती हैं। फास्टिंग में क्या होता है कि जो वैल्यू होती हैं WHO के अकॉर्डिंग, अगर 125 mg/dL से अगर 125 हो या उससे ज़्यादा हो तो हम उसको डायबिटिक कह सकते हैं। अगर खाना खाने से पहले की बात, अगर खाना खाने के बाद अगर 2 घंटे बाद चेकअप करें तो उसका अगर डायबिटिक 145 mg/dL से ज़्यादा हो तो हम उसको डायबिटिक बोल सकते हैं। अब हम उसके देखते हैं ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले तो कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करो, जैसे वॉकिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। इससे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। डायबिटिक वाले पेशेंट को मीठी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, जैसे कि कोई भी मीठी चीज़ बंद कर देनी चाहिए, मीठे फ्रूट्स होते हैं वो भी बंद कर देना चाहिए, आलू वगैरह ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। अगर आपको और भी डायबिटिक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।